so happy that I was not there in the last day. Otherwise, मुझसे हो ही नहीं पाता. सब रुला दो, सब रुला दो, सब को रुला दो. हो गया नागिन 4 का फाइनली द एंड. शूटिंग के आखिरी दिन फूट फूट कर रोए स्टार्स. जी हां, तमाम मुश्किलों के बावजूद आखिरकार नागिन 4 की शूटिंग बीते दिन पूरी कर ली गई. इस दौरान सेट पर निया शर्मा, रश्मि देसाई और विजेंद्र कुमेरिया के अलावा बाकी स्टार्स भी नजर आए. शो के आखिरी एपिसोड को करने के बाद सभी काफी इमोशनल तक हो गए. कईयों के आंसू छलके तो किसी की मुस्कान में शो को छोड़ने का गम साफ साफ जाहिर हो रहा था. सोशल मीडिया पर नागिन 4 के सेट की अब कई तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जिसमें सुप्रिया शुक्ला, विजेंद्र कुमेरिया और रश्मि देसाई नजर आ रहे हैं. तीनों अपने सीन्स को करने के लिए तैयार तो हैं ही, साथ ही सभी के चेहरे पर शो के खत्म होने की मायूसी भी छलक रही है. वहीं शो में निया शर्मा की ऑन स्क्रीन माँ सुप्रिया शुक्ला का ये वीडियो काफी इमोशनल कर देने वाला है, जिसमें वो शूटिंग के बाद फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं. सुप्रिया को यूं रोते देखकर निया शर्मा भी काफी इमोशनल हो जाती हैं. वीडियो में निया अपनी ऑन स्क्रीन माँ से कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें ऐसा देखकर वो भी रो पड़ेंगी. मुझसे हो ही नहीं पाता. सब रुला दो, सब रुला दो, सब को रुला. सुप्रिया का ये वीडियो निया शर्मा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर किया है, जिसे देखकर अब नागिन 4 के तमाम फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं और कमेंट्स कर शो के प्रति अपने लगाव को जाहिर कर रहे हैं. वाकई एक लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ काम करने से इतनी अटैचमेंट हो जाती है, ये बात इन वीडियो और तस्वीरों से साफ जाहिर हो रही है. आपको बता दें कि कल यानी कि 18 जुलाई से नागिन 4 के फिनाले के नए और फ्रेश एपिसोड शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब मेकर्स का सारा फोकस नागिन 5 पर है. इसलिए नागिन 4 के ज्यादा एपिसोड शूट नहीं किए गए और खबरें हैं कि सिर्फ 5 से 6 एपिसोड में शो का अंत कर दिया जाएगा, जिसके बाद होगा नागिन 5 का आगाज. वैसे बात करें शो के अपकमिंग ट्रैक की, तो आने वाले शो में मिली की मौत से नया तूफान उठता नजर आएगा, जिसमें देव वृंदा पर शक करने लगेगा. वहीं शलाका देव और निया के बीच में दूरियां लाने की चाल चलती नजर आएगी. इसी के साथ लाल टेकरी मंदिर से जुड़े कई रहस्यों का पर्दाफाश भी होगा. ऐसे में अब जब शो के आखिरी शूट को भी पूरा कर लिया गया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार नागिन का अंत किस मुकाम पर होता है.